हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास सिक्स की मैथ्स का चैप्टर नंबर फाइव, उसकी एक्सरसाइज 5.2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉक वाइज रेवोल्यूशन डज द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम। यानी कि अगर हम क्लॉक वाइज देखें, रेवोल्यूशन मतलब चक्कर लगाना, है ना। अगर 3 to 9 तक अगर क्लॉक में जो क्लॉक की नीडल्स होती हैं, अगर 3 से 9 तक जाती हैं तो हमारा हमें बताना है कि आर हैंड क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम, क्या फ्रैक्शन जो है इसका बनता है, व्हाट फ्रैक्शन। तो हमें इसके अंदर इसके फ्रैक्शंस बताने हैं। अगर वो 3 to 9 की तरफ जा रही है, 4 to 7 जा रही है, 7 to 10 जा रही है, 12 to 9 जा रही है, तो कितना फ्रैक्शन जो है वो उसमें क्लॉक में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे कि कुछ क्लॉक्स बनाई है, जैसे कि फर्स्ट है, फर्स्ट हमारा था 3 to 9। अगर हमारे यहाँ पर 3 से 9 तक जाना, देखो अगर ये हम यहाँ पर हैं 3 पे, ठीक है, ये 3 पे है हमारी निडल। अब ये निडल अगर 3 से क्लॉक वाइज जाएगी तो इस तरीके से जाएगी, है ना। 3 से अगर 9 की तरफ जाएगी तो यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है, 3 से 9 यहाँ तक आ जाएगी। तो जब ये पूरा चक्कर यहाँ से लेकर यहाँ, आप इसको खुद देखो ये कितना बन रहा है, ये पूरा हमारा क्लॉक है। तो क्लॉक का हाफ पूरा यहाँ से 3 से लेकर 9 तक हमारा कितना आ रहा है, ये हाफ आ रहा है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। एक चीज़ पहले आप इसमें और समझ लो, जब हम क्लॉक वाला ये जो चैप्टर कर रहे हैं, इसमें जितने भी क्लॉक वाले हमारे जो हमारे क्वेश्चंस हैं, इसमें ही देखो ये हमारा जैसे ये दे रखा ना 12, 1, 2, 3, तो 12 से लेके 3 तक के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये हमारा एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ऐसे ही 3 से लेके 6 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक फिर हमारा एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। 6 से लेके 9 तक हमारा एक 90 डिग्री का एंगल बनता है, और 9 से 12 तक हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसी तरीके से अगर हम सभी 90 को प्लस कर दें तो टोटल हमारा फुल रेवोल्यूशन बन जाता है 360 डिग्री का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आपको ये पता होगा कि हर एक तीन, देखो 12 से और 3 के बीच में कितना डिस्टेंस है, यहाँ पर 12 के बाद 1, 2 दे रखा है, फिर 3 के बाद 4, 5 है, फिर 6 के बाद 7, 8 है, और 9 के बाद 10, 11 है। तो आपको ये ध्यान रखना है 12 to 3, 3 to 6, 6 to 9 और 9 to 12, हर एक में 90 डिग्री का एक हमारा एंगल बनता है। ठीक है, और पूरा हमारा ये रेवोल्यूशन हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे अभी 3 to 6 देखूँ तो एक 90 हो गया, 6 to 9 देखूँ तो एक और 90, तो 90 + 90 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और 180 डिग्री क्या होता है, हमारा टोटल पूरा एक रेवोल्यूशन कितने डिग्री का होता है, हमारा 360 डिग्री का होता है, और हाफ रेवोल्यूशन कितना होता है हमारा, 180 डिग्री का। तो ये हमारा हाफ रेवोल्यूशन है, तो ये हमारा क्या है, 180 डिग्री है। लेकिन हमें इसको बताना कैसे है, हमें बताना है इसको फ्रैक्शन में बताना। तो ये हमारा कितना फ्रैक्शन आ रहा है, ये हमारा जो है 1/2 आ रहा है, फुल का हाफ आ रहा है हमारा 1/2। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, ये ही इसी तरीके से हमें जो है सारे ये करने हैं। अब नेक्स्ट देखो, हमें 4 to 7 बोला गया है, तो 4 कहाँ आ रहा है हमारा, यहाँ पर है, और 7 हमारा यहाँ। अगर यहाँ 4 पे हैं हम, और 4 से हमें 7 पे आना है, तो हमें ये सारे क्लॉकवाइज ही बताने हैं। तो 4 से 7 तक हम आगे आएंगे, तो देखो अभी यहाँ पे कितने डिग्री बन रहा है हमारा, 4 के बाद बीच में क्या आ रहा है, सिर्फ 5 और 6 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है यहाँ पे इसके ऊपर। तो 90 डिग्री क्या होता है, अगर देखते हैं टोटल हमारा 360 डिग्री होता है, और हमें करना है, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कितना क्या फ्रैक्शन आ रहा है, तो 90 / 360, तो 0 से 0 कट हो जाएगा, 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36, तो ये आ गया हमारा 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, इसी तरीके से हमें 7 to 10 जाना है, ये 7 है और ये 10 है, यहाँ से अब हमें यहाँ जाना है, तो ये हमारा कितना आ रहा है, ये भी हमारा 90 डिग्री। देखो 7 के बाद क्या है, 8, 9, तो ये भी हमारा 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री क्या होता है हमारा, 1/4 होता है, 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन। एक चीज़ आप देख लो, 360 हमारा क्या होता है, फुल होता है, फुल रेवोल्यूशन। 180 क्या होगा, हाफ रेवोल्यूशन, यानी कि 1/2। 180 के हाफ क्या हो गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या हो गया हमारा, 1/4 हो गया, है ना, 1/4। लेकिन हमारा 270 भी है, 90, 180, 270 डिग्री भी हो सकता है हमारा, तो वो हमारा क्या होगा, 3/4। 3/4 कैसे होगा, देखो 360, 270
और नीचे 360, इसको कट कर लो, जीरो से जीरो कट हो जाएगा। अब इसको थ्री के नाइन के टेबल से कट कर लो, 9 3 27 और 9 4 36, तो 3/4 आ गया। तो ये हमारा 3/4 रेवोल्यूशन होगा जब भी हमारा 270 डिग्री आएगा। अभी तक हमारा क्या आया था, अभी तक हमारा आया है 180 डिग्री यानी कि 1/2 हाफ रेवोल्यूशन, उसके बाद आया 90 डिग्री 1/4 रेवोल्यूशन, उसके बाद फिर से 90 डिग्री 1/4 रेवोल्यूशन। अब हम यहाँ देखते हैं, हमें 12 to 9 बोला गया, तो ये भी हमारा 12 to 9 है। अगर हम 12 पे हैं और 12 से अब हमें 9 पे जाना है, ठीक है, यहाँ तक आना है हमें 12 to 9। अब ये क्या बन रहा है हमारा, ये नहीं है, ये देखो, ये यहाँ पे जो है हमारा एक एंगल बन रहा है, क्योंकि हम पूरा 12 से लेके पूरा यहाँ तक 9, तो 12 to 3 तक कितना था 90 डिग्री, फिर 3 to 6 कितना था 90 डिग्री, 6 to 9 कितना है 90। अगर हम इन तीनों 90 को प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा 270 डिग्री ये हमारा बनेगा। तो 270 डिग्री कितना होगा, अभी मैंने आपको बताया था ना 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3/4। उसके बाद हमें बोला गया है 1 से 10 तक अब जाना है हमें, तो 1 का है हमारा यहाँ पे और कहाँ जाना है हमें यहाँ तक, यानी कि 1 से 10 तक। ये भी आप देखो क्या बन रहा है, अगर 1 से 4 देखें तो 90 डिग्री बनेगा, 4 से 7 देखें तो भी 90 डिग्री बनेगा, 7 से 10 देखें तो भी 90 डिग्री, इसमें भी हमारे 390 डिग्री आ रहे हैं। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है 3/4 है। इसी तरीके से 6 to 3, ये हम 6 पे हैं, अब हमें जाना है 3 पर, 3 से 6 नहीं आना, 6 से 3 पे जाना है, ठीक है, तो ये भी हमारा 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है वेयर विल द हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट 12 एंड मेक 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉक वाइज। अगर 12 से स्टार्ट होती है क्लॉक और 1/2 रेवोल्यूशन बनाती है, तो उसके बाद 1/2 रेवोल्यूशन बनाने के बाद क्या टाइम हो जाएगा घड़ी में, फिर यानी कि हमें हाफ रेवोल्यूशन दिखाना है तो उसके बाद टाइम क्या होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्लॉक के अंदर, पहले हमने स्टार्ट कहाँ से करना है 12 से, तो 12 से अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो 12 से अगर हम स्टार्ट करते हैं हाफ कैसे बनेगा, 12 से अगर हम जाते हैं क्लॉक वाइज तो हमारा हाफ कहाँ पर आएगा 6 पे, यानी कि 12 to 6 ये हमारा हाफ है। ये कौन सा बन रहा है 180 डिग्री, यानी कि 12 to 3 90, 3 to 6 90, तो ये हमारा हाफ रेवोल्यूशन हो गया। तो हम लिखेंगे द हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप एट 6 आफ्टर मेकिंग 1/2 यानी कि हाफ ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉक वाइज। इसी तरीके से सेकेंड हमें बोला गया है स्टार्ट एट टू एंड मेक 1/2 रेवोल्यूशन ऑफ क्लॉक वाइज। तो यहाँ पे भी हमें 2 से स्टार्ट करना और हाफ लेना है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे और हाफ पे अगर हम पहुँचते तो कहाँ पहुँचेंगे, पहले अगर हम 2 से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 3/4 बीच में आ गया 5, यानी कि ये हमारा हो जाएगा यहाँ से लेके 2 से लेके 5 तक 90 डिग्री हो जाएगा, फिर 5 या 6 7 बीच में आ गया 8, तो यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से हमारा 90 डिग्री हो गया। हमें कहाँ तक जाना है 2 लेना है, स्टार्ट एट 2, 2 से स्टार्ट करना और हाफ बनाना है, तो हमारा हाफ 90 plus 90, 290 आ गया ना हम 8 पे आने के बाद, तो यहाँ पर हमारा ये एक हाफ बन रहा है। तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे 8 पे, यानी कि 2 से लेके 5 तक हमारा 1/4 हो जाएगा, फिर 5 से लेके 8 तक फिर से 1/4, तो 90 plus 90 कितना हो जाएगा हाफ 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब होता है हाफ, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे 8 पे। द हैंड ऑफ क्लॉक विल स्टॉप एट 8 आफ्टर मेकिंग 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉक वाइज। थर्ड में हमें बोला गया है सी है स्टार्ट एट 5, अब हमें 5 से स्टार्ट करना है 1/4 लेना है, ठीक है, 1/4 रेवोल्यूशन, तो 5 से अगर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इधर से हम स्टार्ट करते हैं तो हाफ लेना है 1/4 में कितना आएगा 90 डिग्री, तो 2 हमारे बीच में आ गए 8, तो यहाँ से 5 से लेके 8 तक हमारा बनेगा 90 डिग्री, यहाँ तक आना है हमें, यहाँ हम पहुँच जाएंगे। अगर हम 5 से स्टार्ट करते हैं और 1/4 लेते हैं तो हम 8 पे पहुँचेंगे, जैसे हमने 2 से स्टार्ट किया था और हमें हाफ लेना था 1/2, तो हम 8 पे पहुंच गए थे, ऐसे यहाँ से 5 से स्टार्ट करेंगे और 1/4 मतलब 90 डिग्री लेंगे तो हम 8 पे पहुंच जाएंगे। द हैंड ऑफ द क्लॉक विल स्टॉप एट 8 आफ्टर मेकिंग 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉक वाइज, ठीक है। इसी तरीके से डी है, डी में हमें क्या बोला गया है स्टार्ट एट 5 एंड मेक द 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन, 5 से स्टार्ट करना है 3/4 लेना है, 3/4 का मतलब क्या होता है 270 डिग्री।
तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना, 5 से स्टार्ट करना है, यहाँ से। तो पहले हम पहला 90 डिग्री हमारा कहाँ बनेगा, 8 पे बनेगा, यहाँ पे, यहाँ तक एक 90 डिग्री आ गया। उसके बाद हमारा दूसरा 90 डिग्री कहाँ बनेगा, 11 पे। तो ये हम 11 पे पहुँच जाएंगे। 270 है ना, अभी हमारा 90 हाफ हुआ है, यानी कि हमें एक और 90 डिग्री चाहिए, 12 और 1। अब हम पहुँच जाएंगे 2 पे, यहाँ पे हमारा तीसरा 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, हर एक दो दो के गैप के बाद आपने देखना है। जैसे हम 5 पे थे तो 6 7 को हमने देखा, 8 पे हमारा 90 डिग्री बन गया। अब 8 पे हैं तो 9 10 को छोड़ के 11 पे हमारा 90 डिग्री बन जाएगा। 11 पे है तो 12 और 1 को छोड़ के 2 पे हमारा 90 डिग्री बन जाएगा। तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 2 पे पहुँच जाएंगे, और ये हो जाएगा हमारा 3 4, यानी कि 270 डिग्री। द हैंड ऑफ क्लॉक विल स्टॉप एट 2 आफ्टर मेकिंग 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉक वाइज। ठीक है, क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग, कौन सी डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे अभी हमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन से बताना है। जैसे कि हमने ये बना लिया, हाँ, यहाँ पे हमारा क्या होता है ईस्ट, यहाँ पे है वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब इसको आपने ध्यान से देखना है कि अब इन्होंने हमें बोला ईस्ट एंड मेक 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉक वाइज। आप ईस्ट में खड़े हो और आपको 1/2 रेवोल्यूशन बनाना है, यानी कि 1/2 मतलब हाफ, यानी कि ये हो गया 90, फिर हो गया 90, तो ये हो गया हाफ। तो आप जो है आपका फेस किस तरफ हो जाएगा, फिर आप कहाँ पहुँच जाओगे, वेस्ट की तरफ आपका जो है वो फेस हो जाएगा, जब आप 1/2 रेवोल्यूशन लोगे तो ये आ जाएगा वेस्ट। इसी तरीके से आप ईस्ट पे खड़े हो एंड मेक 1/1/2, यानी कि आपने ईस्ट पे खड़े हो पहले तो पूरा रेवोल्यूशन ले लिया, एक पूरा घूम गए तो वापस ईस्ट पे आ गए, उसके बाद फिर से हाफ जाना है, यानी कि फिर से हाफ जाओगे तो फिर से आप वेस्ट पहुंच जाओगे। तो ये हो गया हमारा वेस्ट। वेस्ट एंड मेक 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन एंटी क्लॉक। तो इसमें क्या लिखा है, एंटी क्लॉक। अगर मान लो इस तरीके से है, यहाँ पे ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये वेस्ट है, तो 3/4 लेना है। पहले आप कहाँ पे हो, वेस्ट पे है आपका फेस, यहाँ पर हो आप, यहाँ से एंटी क्लॉक यानी कि उल्टा जाना, क्लॉक तो हमारी सीधी जाती है ना, अब एंटी क्लॉक। तो यहाँ से आप यहाँ जाओगे 90, फिर से 90, 180 हो गया, फिर से 90, 180, और यहाँ पे हो गया आपका 270, यानी कि 3/4 270 डिग्री होता है, तो ये आप पहुँच जाओगे नॉर्थ पे, आपका फेस हो जाएगा एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है साउथ एंड मेक फुल रेवोल्यूशन। तो बहुत ईजी है, साउथ में खड़े हो और पूरा एक चक्कर काटना है, तो कहाँ पहुँच जाओगे, वापस साउथ में आ जाओगे पूरा घूम के, है ना। तो यहाँ पे आप वापस साउथ में पहुँच जाओगे, ये आपका फेस साउथ में हो जाएगा। अब है क्वेश्चन 4 है, व्हाट पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ़ यू स्टैंड फेसिंग, कौन से पार्ट। देखो इससे मिलता जुलता ही है हमारा, तो फोर्थ में यही है कि ईस्ट एंड टर्न क्लॉक वाइज टू फेस नॉर्थ। अगर आप ईस्ट पे खड़े हो, ये देखो ये ईस्ट है, ये नॉर्थ, ये साउथ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है। तो इन्होंने क्या बोला है, ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज। आप ईस्ट पे खड़े हो और क्लॉकवाइज टर्न करो, क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ, तो आपका क्या हो जाएगा, कितने आपके वो आएंगे, यहाँ पे रेवोल्यूशंस बताना है ना, कितने रेवोल्यूशंस आएंगे। तो आप ईस्ट पे खड़े हो, कितना घूमना है आपको, यहाँ पे ईस्ट टर्न क्लॉक वाइज। तो अगर आपको क्लॉक वाइज घूमना है और नॉर्थ की तरफ जाना है, तो ये एक, ये दो और ये तीन, नॉर्थ की तरफ गया क्लॉक वाइज, तो आपके कितने रेवोल्यूशन हो गए, यहाँ पे आपके हो गए 3/4, यानी कि एक ये हो गया, दो ये और ये तीसरा, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, तो आपके यहाँ पर हो जाएंगे 3/4। ठीक है, इसी तरीके से साउथ में खड़े हो और टर्न करते हो क्लॉक वाइज फेस्ड ईस्ट की तरफ, अब आप यहाँ खड़े हो साउथ में और आपको ईस्ट की तरफ फेस करना, घुमाना है, तो फिर आप साउथ में खड़े हो यहाँ से शुरू करोगे, ईस्ट की तरफ जाओगे 1 2 3, तो कितना हो जाएगा, इसमें भी 3/4 ही होगा। वेस्ट एंड टर्न क्लॉक वाइज टू फेस ईस्ट, अब यहाँ पे देख लेते हैं इसको बना के, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अब कहाँ पर है, वेस्ट में है, वेस्ट से टर्न करना कहाँ पे, ईस्ट की तरफ जाना, तो वेस्ट से हम ईस्ट की तरफ क्लॉक वाइज अगर जाएंगे तो हमारे ये 1/2 रेवोल्यूशन हो जाएगा, 90 प्लस 90 180 डिग्री, तो ये हाफ हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब यहाँ देखो, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल टर्न थ्रू बाय द आर हैंड ऑफ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम। अब यहाँ पे हमें बताना है कि कितने राइट एंगल बनेंगे,
जब हम 3 से 6 की तरफ जाते हैं तो हमारे कितने राइट एंगल बनते हैं? 3 से 6 की तरफ जाते हैं, हम इस क्लॉक में देख लेते हैं, एक जैसे हमने एक क्लॉक बनाई है ना अभी यहाँ पे, तो ये वाली देख लेते हैं हम। फर्स्ट हमारा 3 से 6, अगर हम 3 से 6 की तरफ आते हैं तो हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है 3 से 6 की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 राइट एंगल बनेगा, 1 राइट एंगल। आपको बताने कितने राइट एंगल बनेंगे। ऐसे हम 2 से 8 की तरफ जब जाते हैं, अब देखो हम यहाँ पे 2 पे हैं और हमें 8 की तरफ आना है, तो हम यहाँ पे देख लेंगे 3 4 5, यहाँ पर हमारा 2 से लेके 5 तक एक 90 डिग्री हो गया, फिर 5 से लेके 8 तक फिर से हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। यानी कि 2 से अगर 8 तक जाते हैं तो हमारे 2 90 डिग्री आते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2 राइट एंगल बनेंगे, ठीक है। एक हमारा 2 से 5 तक 90 डिग्री बनेगा, 1 राइट एंगल, फिर 5 से 8 फिर एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी कि 2 राइट एंगल बनेंगे इसमें हमारे। तो इसके आगे आप लिख देना 2 राइट एंगल। अब 5 to 11 अगर हम जाते हैं तो ये 5 है और ये 11 है, तो 5 से 8 तक पहले हमारा 90 डिग्री बनेगा, फिर 8 से 11 फिर हमारा 90 डिग्री बनेगा। तो इसमें भी क्या आ रहे हैं? 2 राइट एंगल्स आ रहे हैं। 10 to 1, 10 से 1 को देखो, ये 10 है और ये 1, 10 से 1 तक हमारा एक 90 डिग्री बनेगा, तो एक राइट एंगल बनेगा इसमें हमारा, है ना। 10 के बाद देखो बीच में 2 हैं, तो 10 से 1 तक हमारा 1 राइट एंगल है, तो इसमें आएगा हमारा 1 राइट एंगल। 12 to 9, 12 से 9 देखो, हमें 9 से 12 नहीं जाना, यहाँ से यहाँ नहीं जाना, हमें 12 to 9 ये पूरा घूम के जाना है, 12 से 9 तक पूरा घूम के। तो 12 to 9 में हमारे कितने आ जाएंगे? 390 डिग्री आ जाएंगे, क्योंकि अगर 12 to 12 पूरा देखो तो 1 रेवोल्यूशन कम्प्लीट हो जाएगा 360 डिग्री। तो 12 से 9 तक अगर हम जाते हैं तो 12 to 3 तो पहले 1 बन जाएगा राइट 90 डिग्री, फिर 3 to 6 दूसरा 90 डिग्री, फिर 6 to 9 तीसरा 90 डिग्री, तो 3 90 डिग्री के एंगल बनेंगे इसमें। यहाँ हम लिखेंगे 3 राइट एंगल। अब 12 to 6, अगर हमें 12 से 6 तक जाना है तो 12 to 3 पहले 1 राइट एंगल बनेगा, फिर 3 to 6 हमारा दूसरा राइट एंगल बनेगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे इसमें 2 राइट एंगल बनेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स है, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू हैव मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग साउथ एंड टर्न क्लॉक वाइज टू वेस्ट। अब ये भी कुछ कुछ वैसे ही है, पहले के जैसे ही हैं, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। तो ये भी इन्होंने पूछा है कि आप साउथ में हो, टर्न करते हो क्लॉक वाइज, साउथ एंड टर्न क्लॉक वाइज टू वेस्ट की तरफ जाने के लिए, तो कितने राइट एंगल बनेंगे? साउथ से अगर आप, ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये हमारा साउथ है, नॉर्थ है, तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया? साउथ से वेस्ट की तरफ जाना है, तो ये साउथ है, साउथ से वेस्ट की तरफ जाओगे तो सिर्फ 1 राइट एंगल बनेगा। इसी तरीके से नॉर्थ से एंटी क्लॉक वाइज जाना है वेस्ट की तरफ, ये नॉर्थ है, अब एंटी क्लॉक वाइज यानी कि उल्टा जाना है, किसकी तरफ? ईस्ट की तरफ। तो नॉर्थ से जब एंटी क्लॉक वाइज जाओगे आप, तो यहाँ पे आपका, आप यहाँ पे नॉर्थ में हो तो एंटी क्लॉक वाइज ऐसे जाओगे ईस्ट की तरफ ऐसे, तो 3 बन जाएंगे, 1 2 3 तीन राइट एंगल बन जाएंगे, 3 राइट एंगल्स, ठीक है। अब जाना है वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट, वेस्ट से वेस्ट की तरफ ही जाना है। अगर वेस्ट पे खड़े हो और वेस्ट से वेस्ट की तरफ ही जाओगे तो फुल रेवोल्यूशन हो जाएगा आपका, फुल राइट, सॉरी 4 आएगा यहाँ पे, 4 फुल रेवोल्यूशन मतलब 4 राइट एंगल्स, 4 राइट एंगल। साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ, अब आप साउथ पे हो और आपको नॉर्थ की तरफ जाना है, यानी कि साउथ से नॉर्थ इस तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाना है, तो 2 राइट एंगल। ठीक है, ये चीज़ देख लिया आपने, ये देखो ईस्ट है, साउथ है, नॉर्थ है, वेस्ट है। अब साउथ से आपको किस तरफ जाना था? नॉर्थ की तरफ, तो ये आपका बने हैं 2, एक राइट एंगल ये और एक ये, तो 2 राइट एंगल आपके यहाँ पे बन गए। वेयर विल द आवर हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स, अगर 6 से स्टार्ट होती है एंड टर्न थ्रू 1 राइट एंगल, 6 से स्टार्ट होती है और 1 राइट एंगल अगर बनाती है तो कहाँ पे पहुँच जाएगी? 6 से स्टार्ट होगी, अगर 1 राइट एंगल बनाएगी तो वो हमारी 9 पे पहुंच जाएगी, एट 9। सेकंड, अगर 8 पे है और 2 राइट एंगल बनाती है तो कहाँ पे पहुंच जाएगी? अगर 8 पे है तो 8 से 11 तक पहले एक राइट एंगल बनेगा, 11 से 2 तक दूसरा राइट एंगल, तो इसका मतलब ये 2 पे पहुंच जाएगी, ठीक है।
फ्रॉम 10 एंड टर्न थ्रू 3 राइट एंगल. अगर 10 पे है और 3 राइट एंगल बनाती है तो देख लो ये 10 पे है तो 10 से लेके 1 तक पहले एक राइट एंगल, 1 से लेके 5 तक दूसरा राइट एंगल, 5 से लेके हमारा आ जाएगा यहाँ पे 10 से टर्न करना ना यहाँ से, तो हमें 3 राइट एंगल बनाने हैं. तो हम देखते हैं 10 से लेके 1 तक, यानी कि 11 12 छोड़कर 1 तक हमारा एक राइट एंगल यहाँ पे एक बन गया. 2 और 3 को छोड़ेंगे 4 पे, हाँ 4 पे हमारा दूसरा राइट एंगल. 5 और 6 छोड़ेंगे 7, 7 पे हमारा तीसरा राइट एंगल बन जाएगा. तो इसका मतलब ये 10 से अगर 3 राइट एंगल बनाती है तो ये 7 पे आ जाएगी, यानी कि 10 से 1, 1 से 4, 4 से 7, ये 3 राइट एंगल बन जाएंगे. तो कहाँ आ जाएगी, 7 पे. फ्रॉम 7 एंड टर्न टू स्ट्रेट एंगल. अब 7 पे है और स्ट्रेट एंगल बनाती है, दो एंगल यानी कि दो टू स्ट्रेट एंगल्स, तो कहाँ पहुँच जाएगी, ये तो वहीं पे दोबारा पहुँच जाएगी. देखो अगर 7 पे है, 7 से स्ट्रेट एंगल कैसे बनेगा, दो स्ट्रेट एंगल बनाने. एक स्ट्रेट एंगल का क्या मतलब होता है, 180 डिग्री, और दो स्ट्रेट एंगल का क्या मतलब हो गया, 360 डिग्री. इसका मतलब वापस वो 7 पे ही आ जाएगा. दो स्ट्रेट एंगल जब बोला गया है तो इसका मतलब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है ना. तो इसका मतलब 7 से अगर स्टार्ट करेगी तो पहले हाफ जाएगा, फिर हाफ आएगा, हाफ और हाफ फुल हो जाएगा. तो इसका मतलब वापस ये 7 पे ही पहुंच जाएगी. ये आपको ध्यान रखना है, जब भी इस टाइप का है कंफ्यूज नहीं होना आपने. अगर 7 से यहाँ पे कोई भी नंबर दिया हो सकता है, अगर दो स्ट्रेट एंगल पूछे जा रहे हैं तो उसका मतलब है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, ठीक है. तो वापस अपनी जगह पर ही आ जाएगी. तो यहाँ पर जो है हमारा जो एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो जाती है. होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा. वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. थैंक यू.